अभी रिसेंटली मैं दिल्ली में ही एक कंपनी के ऑडिट पे था और जो लिटिगेशन एंड क्लेम्स का एरिया होता है मैं वो चेक कर रहा था। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि सर आप लिख के दो कि जितने भी आपके लिटिगेशन एंड क्लेम्स चल रहे हैं कंपनी पे वो सारे आपने मेरे को डिस्क्लोज कर दिए हैं, एंड ये भी लिख के दो कि जितने भी सारे क्लेम्स हैं ये प्रॉपरली आपने शो करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड यही जो मैनेजमेंट मुझे लिख के दे रही है इसी को हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर बोलते हैं। अब देखो यार, इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे आप सोली रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मैनेजमेंट ने ही लिख के दिए ना, तो वो तो वही लिखेगा जो वो चाहता है कि ऑडिटर को बताए। तो इसीलिए आप 100% इस पे रिलाय नहीं कर सकते, बट हाँ इसे एज एन ऑडिट एविडेंस जरूर यूज किया जा सकता है। तो फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और 2-3 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वैसे ही हम लोग हालचाल पूछ रहे थे। तो मैंने उसको बताया कि मैं सो एंड सो कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ आजकल, और वो जो मेरा फ्रेंड था वो भी एक कॉर्पोरेट लॉयर ही था, और उसने बताया कि भाई तेरी ये जो कंपनी है इसका केस मेरी ही लॉ फर्म हैंडल कर रही है। तो ये तो बड़ा ही सही कोइंसिडेंस हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा ये केस है किसके अगेंस्ट? फिर उसने मुझे बताया कि गुप्ता जी करके कोई इंसान है, उसने कंपनी पे केस कर रखा है। फिर जस्ट टू बी श्योर मैंने क्या किया कि मैनेजमेंट ने जो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया था मैंने उसमें से लिस्ट में चेक करा कि ये वाला क्लेम उसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और भाई चेक करने पे ये पता चला कि भाई वो गुप्ता जी वाला जो केस है वो तो उस लिस्ट में शो ही नहीं हो रहा है, यानी मैनेजमेंट ने मुझे इस केस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। और ये देख के मेरा दिमाग घूम गया कि भाई ये तो कुछ इसने मेंशन ही नहीं करा है इसके बारे में। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करते हो कि भाई इसने क्या क्या छुपा रखा होगा फिर, एंड सिर्फ इसी के रिगार्डिंग नहीं बट जो ऑडिट के बाकी एरियाज हैं उसमें भी। और फिर मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैं अब क्या करूं, और फिर मेरे दिमाग में जिंदगी मिलेगी ना दोबारा का जो वो प्रैंक वाला सीन था वो याद आया, और मैंने वही एग्जैक्टली करा मैनेजमेंट के साथ। तेरे बारे में कुछ सुना है मैंने, क्या मुझे पता है? क्या मॉम ने बताया? और तुझे बताने की क्या जरूरत थी यार, व्हाट्स रॉन्ग विद? और मैनेजमेंट पे ट्रिक लगाने के बाद पता चला कि भाई गुप्ता जी के अलावा एक और केस है उनके पास जो कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर में था ही नहीं। और ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात थी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर कुछ कह रहा है एंड ऑडिट एविडेंस कुछ और कह रहा है। तो ये सब होने के बाद मैंने तो यही कंक्लूड करा कि भाई मैं तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज पे बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकता, एंड इसी वजह से मुझे मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है रिगार्डिंग अदर एरियाज। एंड जस्ट टू बी क्लियर कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने अपने सीनियर से भी गाइडेंस ली, और फिर फाइनली यही डिसाइड हुआ कि मैं तो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहा हूँ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि जहाँ पे आप मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे नहीं रिलाय कर सकते वहाँ आप कुछ बता ही नहीं सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कितना पार्ट सही है कितना पार्ट गलत है, आप कुछ ओपिनियन नहीं दे सकते। सो थैंक्स टू दिस टेक्निक, वरना मैं तो भाई साइन करने वाला था ऑडिट रिपोर्ट में कुछ दिनों बाद। सो आई होप तुम्हें स्टोरी के थ्रू ये समझ आया हो कि जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी डाउटफुल होती है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।